कांग्रेस फेल हो गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा रहा जहां कांग्रेस मजबूती से खड़ी रही। ऐसा क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ कि भाई छिंदवाड़ा का गढ़, कांग्रेस का गढ़ आप लोगों ने भेद दिया? देखिए कमलनाथ जी जी, अरबों खरबों रुपए के जी, एक इतना पैसे वाले सांसद थे, इतने पैसे वाले उद्योगपति थे। हमारे छिंदवाड़े में 37-38% मैंने कहा आदिवासी भाई बहन सीधे साधे भोले भाले, इन उनके पास पैसा धनबल, कोल माफिया, शराब माफिया, गुंडों के दम पर प्रलोभन दे करके और डरा करके वो चुनाव जीतते हुए आए। लेकिन इस बार छिंदवाड़े के लोगों ने समझा कि नहीं, हमें 5 साल भुगतना नहीं है। जनता रोती रहती थी, आप देखिए छिंदवाड़े की जो परंपरा थी कि सांसद 6-6 महीने नहीं मिलते थे और आते थे, तो पूरे देश में एक अकेला ऐसा जिला होगा छिंदवाड़ा जहां की जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए, अपनी परेशानी समस्या बताने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, धक्के खाना पड़ता था, यहां तक कि लाठियां भी कमलनाथ जी के कर्मचारियों के द्वारा हमारी छिंदवाड़ा की जनता को लाठियां भी मारी गई है। तो वो ऐसा जिला था। लेकिन मैंने सबसे पहले कहा यह परंपरा हमारे इसमें नहीं चलेगी, मैं खुद जनता के बीच में जा रहा हूँ, आप देखेंगे कभी भी पता करेंगे, लोगों से मिलता हूँ। मेरा तो दिल्ली में कोई व्यवसाय नहीं है, दिल्ली में कुछ नहीं है, मैं संसद में आया हूँ, कोई फिर काम करना है, विकास करना, तो दिल्ली में प्रवास पे आता हूँ। लेकिन हमारे जो सांसद थे वो छिंदवाड़ा प्रवास में आते थे, ये अंतर है कि मैं प्रवास में दूसरी जगह जाता हूँ, रहना तो मेरा छिंदवाड़ा ही, लेकिन हमारे जो पूर्व सांसद थे वो लोग छिंदवाड़ा प्रवास में आते थे। तो आज लोगों की समस्याएं अगर वहीं पर बैठकर के हल हो रही है तो जनता क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी? और कमलनाथ जी ने 15 महीने जब मुख्यमंत्री रहे क्या दिया छिंदवाड़ा को? उन्होंने कुछ नहीं दिया। पूरे मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा धोखा तो उन्होंने 45 सालों से छिंदवाड़ा को किया, छिंदवाड़ा मॉडल दिखा के वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने समझ गई, उनके विधायकों ने समझ गए, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, क्योंकि कमलनाथ जी का यही है कि वो लोगों से मिलते नहीं। तो जब छिंदवाड़े की जनता के साथ जैसा व्यवहार करते थे वही व्यवहार उन्होंने विधायकों से किया और उनकी सरकार गिरी। मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ा फेलुअर है कि 15 महीने में सरकार गिराना, ये बहुत बड़ा फेलुअर कमलनाथ जी का है, उसको स्वीकार करना चाहिए उन्हें। आज मध्य प्रदेश में कोई नहीं पूछ रहा, एक अच्छी बात है जो आप पूरे, मुझे लगता नहीं कहीं ऐसा कुछ होगा, पूरे देश का रिकॉर्ड निकाल लें लोकसभा चुनाव में, अगर कोई व्यक्ति 3 साल पहले मुख्यमंत्री रहा हो और उसको कहीं एक जगह चुनाव में नहीं बुलाया गया, वो सिर्फ एक जगह शायद होशंगाबाद में पिपरिया में चुनाव में गए थे, बाकी उसके अलावा पूरे प्रचार में कहीं नहीं गए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात, बुलाया नहीं गया या फिर ऐसी स्थिति बीजेपी ने बना दी कि उन्हें जाने का मौका नहीं मिला। नहीं, हमारा तो प्रथम चरण में चुनाव था जी, अपने बेटे के लिए 40 दिन छिंदवाड़ा में रुके रहे, पूरी मेहनत करें, लेकिन प्रथम चरण के बाद जो हमारे 4 चरणों के और बचे हुए थे उसमें कहीं उनको बुलाया नहीं गया। तो दुर्भाग्य है उनके लिए, जो 3 साल पहले मुख्यमंत्री रहा हो उसको कोई कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा। तो मुझे लगता है कि इस बारे में उनको खुद को आकलन करना चाहिए, कांग्रेस को आकलन करना चाहिए, इतना बड़ा फेलुअर कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये जीती है मोदी जी की योजनाओं के दम पर, ये हम लोग जीते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो इतने जोशीले ऊर्जावान है कि कहीं पर भी आप इतने शालीन व्यवहार के आप देखिए, जो परेशानी समस्या लेकर के जाते हैं उसकी समस्या दूर करते हैं, आज हमारे संगठन के दम पर यह चुनाव हम लोग जीते हैं। तो कांग्रेस को इस मामले में आकलन करना चाहिए और खास करके कमलनाथ जी को कि अब उनका आगे क्या है, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता को इतना लंबा चला है तो उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे जी। एक बात और जो शायद अभी चर्चाओं में भी आई कि भाई इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने छिंदवाड़ा की माटी को चुना है, माटी के सबूत को चुना है। हाँ, ये पहली बार छिंदवाड़ा और पांडुना हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, ये पहली बार अवसर मिला है कि छिंदवाड़ा में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति सांसद बना है, नहीं तो हमेशा बाहर से आए हुए व्यक्ति सांसद बन जाते थे। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने, पांडुना की जनता ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, अपने बेटे को चुना, अपने छिंदवाड़े की माटी के लाल को चुना है। तो आज मैं सोचता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि जिस तरीके से इतना 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 प्यार, इतना विश्वास जताया है, तो आज आप देखें कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई और उसी को मैं निर्वहन करने का काम कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी की भूमिका क्या रही यहां पर, चूंकि बीजेपी के लिए कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, जिक्र हो रहा था तमाम बड़े नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री से लेकर गृहमंत्री जेपी नड्डा तक पहुंचे, पार्टी की भूमिका, और स्वाभाविक है कि उसके लिए एक चेहरा जो वाकई जमीन से जुड़ा हो वो आपके तौर पर। बिल्कुल, संगठन ही हमारे लिए तो संगठन ही सब कुछ है जी। आज देखिए बूथ लेवल का कार्यकर्ता जी, चुनाव तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही जितवाता है, लेकिन उसमें जोश भरने, ऊर्जा भरने,
हमारे बड़े नेता आए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, अमित शाह जी हों, दो ढाई घंटे का उनका रोड शो हुआ अमित शाह जी का, नड्डा जी आए, उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को, हमारे पन्ना समिति के लोगों को संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी लगातार आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, हमारे अन्य नेता चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, हमारे प्रहलाद पटेल जी भाई साहब हों, हमारे अनुराग ठाकुर जी हों, जिन जिन भी राष्ट्रीय नेताओं को हमने याद किया, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों, सभी लोग आए। हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार जी, वो पूरे समय छिंदवाड़े में रही, वो संगठन के लोगों को मार्गदर्शन देती रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सब कुछ है, इसलिए जो तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी का तो करिश्मा है, लेकिन उसके पीछे हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी है, जो मोदी जी की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में पहुंचता है, जनता को बताता है, और इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलते जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात होती है कि वो किस पर संगठन नेतृत्व भरोसा जता रहा है, और वो विवेक बंटी साहू है। जी जी हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने लगातार, चाहे मुझे दो बार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाया हो, उसके बाद मुझे एक युवा कार्यकर्ता को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके खिलाफ उपचुनाव में मुझे अवसर दिया, फिर मुझे जिलाध्यक्ष पार्टी ने बनाया, फिर लोक विधानसभा चुनाव में अवसर दिया, फिर लोकसभा में दिया। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना विश्वास जताया है। बिल्कुल। अच्छा, परिवार का भी जिक्र करेंगे, कहते हैं आपके परिवार ने भी आपका पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर आपका परिवार खड़ा रहा। बिल्कुल, राजनीति में मुझे लगता है कि वही व्यक्ति ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है जिसका परिवार साथ में साथ दे। आज मैं अगर जहां पर भी हूं तो उसके पीछे निश्चित तौर पर परिवार है। मैं अभी एक हफ्ते से यहां पर दिल्ली में हूं, परिवार की जिम्मेदारियां भी होती है, तो मेरी पत्नी है, माता पिता जी हैं, भाई है, बेटा है, बेटी है, तो ये लोग सब लोग अपनी बखूबी जिम्मेदारी जानते हैं, मेरे ऊपर कोई लोड नहीं आने देते हैं, और पूरे तरीके से जहां लगता है वहीं मुझे इन्वॉल्व करते हैं परिवार की चीजों में, बाकी सब कुछ मेरा परिवार ही संभालता है। और मुझे लगता है इतना आगे जो मैं बढ़ाऊं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण मेरा परिवार है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक बंटी साहू जी, आपने हमसे बात की, और न केवल विकास और रोडमैप पे कि आखिर छिंदवाड़ा में कैसे विकास करेंगे, बल्कि सियासत पर भी बात हुई, आखिर कांग्रेस का भविष्य क्या है, इस पर भी हमने बात की है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विवेक बंटी साहू जी, हमारे बेहद खास सो सांसद जी से मिलिए में, आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।